बिहार के बाढ़ में गंगा दशहरा के दिन गंगा नदी में बड़ा हादसा हो गया है। बाढ़ के प्रसिद्ध उमानाथ गंगा घाट पर लोगों से भरी एक नाव पलट गई। उस समय 17 लोग सवार थे, जिसमें 13 लोग किसी तरह तैरकर नदी से बाहर तो निकल आए, लेकिन 4 लोग अभी भी लापता हैं। इन लोगों के रेस्क्यू के लिए अलग अलग टीमें लगाई गई। इस घटना की सूचना के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर लापता लोगों की तलाश कर रही है। उम्मीद है कि लापता लोग जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने अभी तक इस मामले में कोई बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि गंगा दशहरा के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा में स्नान करने पहुंचे थे, इसी दौरान हादसा हो गया। गंगा दशहरे के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए घाटों पर पहुंचे। बाढ़ के उमानाथ घाट पर लोग स्नान करने के लिए जुटे थे। गंगा के दोनों ओर श्रद्धालुओं का तांता लगा था। लोग नाव के जरिए नदी के इस पार और उस पार जा आ रहे थे। इसी दौरान एक नाव अनियंत्रित हो गई और फिर बीच गंगा में जाकर डूब गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। सर कितने बजे सर ये हादसा हुआ? सर हादसा जो है तो हो गया, 1.5 घंटे हो गए। इससे पहले 1.5 घंटे पहले यहाँ पे हादसा हुआ और नाव जो है छोटी नाव है वो पलटने का जो है, इसमें 17 अभी जो कंफर्म हुआ है, 17 जो है लोग थे, उसमें से 11 लोग जो हैं वो बाहर निकले, 6 लोग अभी लापता है। SDRF की टीम जो है हमारी खुशबूपुर से निकल गई है, वो नाव के पानी के माध्यम से ही, नदी के माध्यम से लोग यहाँ पे जस्ट आने ही वाले हैं, और जो लोकल गोताखोर हैं और जो बगल के नाव वाले हैं उन लोगों ने लोगों को बचाया। आशा है कि जो है और लोग भी जो है तो कुछ महिलाओं और बच्चों की खबर है सर, कितने कितने लोग डूबे हैं सर? महिलाओं और बच्चों के कितने लोग डूबे जाने की खबर है सर? जो टोटल जो आपको बताया कि अभी 6 लोग जो है जी अभी नहीं लापता है, वो लोग नहीं मिल पा रहे जी, और इसका जो नंबर है उसका जो हम लोग सर्च ऑपरेशन करेंगे जी, नंबर जो है वो चेंज है। 17 लोग नाव पे थे, हाँ यही जो नंबर है क्योंकि जारी है, परिसर हुए हैं यहाँ कैया उधर कर रही है। एक बार जब हम लोग सबसे पूछताछ कर लेंगे और ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है कंप्लीट होगा तब जाकर के कंफर्म नंबर जो है। क्या घटना हुआ है? मैं यहाँ से नाइट खुला था, नाइट खुलने के बाद वहाँ साइड में जाते हुए वहाँ पे जाके डायरेक्ट ऑटोमेटिक फंस गया। कितना आदमी था नाव पर? करीबन 20-25 आदमी ऊपर, और उसमें तो सब डूब गया है? सब डूब गया। इतना तो मैं देखा नहीं, मेरे यहाँ पे खड़ा था। तब भी कितना डूबा होगा? आज उसमें 5-6 आदमी को मैं देखा ऊपर हाथ ऐसे उठा रखा है। हाँ 5-6 को बच गया, डूब रहा था वो, हाथ ऐसे तो कर रहा था, चाहे बैठ गया नहीं। तो मतलब 20-25 आदमी डूब गया, मतलब 10 लोग ने डूबा, मेरा प्लस रखी है डूबने का 15 प्लस। कितने समय ये हादसा हुआ है नाव डूबने की? आज कितने लोगों के मारे जाने की आशंका है? एक अभी नया था 50 आदमी, और उसमें से 20 निकला होगा, 15 से 20, बाकी सब डूब गए। बाकी लोग मतलब कि कम से कम 25 लोग डूब गए। हाँ, 25 लोग डूबे, उनको बचाने के लिए कोई नहीं, बचाव दल कोई नहीं था, नया वाला सब होगा। तो कितने लोग निकाले गए? कुछ लोग निकाले भी गए होंगे? 10 लोग निकाले गए। हाँ, निकाले। और बाकी सभी 20-25 लोग डूब गए। हाँ। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।